गाइज वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ माई चैनल. आज है मंडे और आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा. और बहुत दिनों से आई थिंक मैंने कुछ कुकिंग वाली चीज़ नहीं डाली है, सो आज मैं राजमा बनाने वाली हूँ. मैंने ओवरनाइट राजमा को सोक कर लिया था. राजमा जनरली आप ओवरनाइट सोक करो नहीं करो इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी मैंने उसको सोक कर लिया था. और अभी मैं प्रेशर कुकर में एक सीटी दूंगी और काफ़ी सिंपल सा होता है, जैसे छोले बनते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही बनता है राजमा. मतलब मसाला तो सबका एट दी एंड वैसे ही होता है, थोड़ा बहुत एक आध चीज़ ऊपर नीचे होती है, बाकी सबका प्रोसीजर जो है वो वैसे ही होता है. और आज मैं एक और चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ. हमारे घर में आई है, दो दिन पहले आ गई थी वो, बट हमने क्या करा था उसको नीचे कार में ही रखे रहने दिया था. कार हमारी जहाँ पे रखी है वहाँ पर धूप आती है, तो हमने क्या किया था कार के अंदर रख दिया था, तो उसको अच्छी धूप वूप मिल गई थी. एंड देन फिर उसको हम लेकर के बाहर ही खोल करके लेकर के आए, अंदर पूरा सैनिटाइज वगैरह किया है, तो मैं दिखाऊंगी आपको. एंड काफ़ी टाइम से मैं उसको लेना चाहती थी, मतलब अभी जब मैंने ये वाइट कलर का मेक ओवर किया था तब मेरे विशलिस्ट में वो एडेड है, बट फिर फाइनली अभी वो आया है, तो वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को इसी वीडियो में. सो यस विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. यहाँ पर मैंने राजमा को कुकर में बॉईल होने के लिए रखा है, तो यहाँ पर मैंने कुछ सिनेमन स्टिक्स डाली है और साथ में बड़ी इलायची डाली है दो, और साथ ही साथ बे लीव्स डाली है. तो इसके साथ ही मैं कुकर में एक सीटी दूंगी और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया है, तो एक सीटी में आराम से काम हो जाता है. तब तक हम बाकी के प्रेपरेशन करेंगे. तो मैं यहाँ पर अनियन का पेस्ट नहीं बनाऊँगी, मैं इसको प्रॉपरली एकदम बारीक तरीके से ग्राइंड या अब बोल सकते हो वैसा कर लूँगी, बहुत बारीक रहेगा ये, तो प्रॉपरली इस तरह से चॉप कर लूँगी मैं. एंड चॉप करने के बाद मैं टमाटो की प्योरी बनाऊंगी. मतलब आप चाहें तो दोनों को एक साथ प्योरी बना सकते हैं, बट मैं अलग अलग कर रही हूँ. मतलब ये थोड़ा सा रेशेदार रहता है प्योरी में, वो पूरी तरह से सब मिक्स्ड हो जाता है तो मज़ा नहीं आता है. एकदम परफेक्ट तरीके से ये बॉईल हो चुके हैं. आपको चेक करने के लिए क्या करना है, आप एक राजमे का बीन निकालिए और उसको थोड़ा सा मैश करके देखिए कि इजीली मैश हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये हो चुका है हमारा. तब तक यहाँ पर मैंने पैन लिया है, उसमें ऑयल गरम किया है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और यहाँ पर अनियंस को ऐड कर दिया है. यहाँ पर थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिलीज़ भी डाली है, जितना तीखा आपको खाना है आप उतनी ग्रीन चिलीज़ इसमें डाल के रखिए. अब हम इसको प्रॉपरली चलाते जाएंगे एंड जब तक ये कुक होगा प्रॉपर डार्क पिंक कलर का हो जाना चाहिए वो, और जब तक ये कुक हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर चपातीज जो है वो वाला काम कर लूँगी एंड साथ में उसको चलाती भी जाऊँगी ताकि वो जल ना जाए. अब मैंने यहाँ पे अनियन के पेस्ट में थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड करी है और उसको चलाया है. एंड यहाँ पर अब मैं टमाटो की जो प्योरी बनाई थी मैंने वो ऐड कर दूंगी और उसको मिक्स करूँगी. और यहाँ पर मैंने हल्दी, धना पाउडर, ये दोनों चीज़ें भी डाल दिया है. इसको अच्छे से मिक्स करके कवर कर देंगे और अब इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे. मतलब ये पूरी हाफ़ हो जाना चाहिए, मसाला जितना अभी है उससे पूरा हाफ़ हो जाना चाहिए, इतना आपको कुक करना है. ये देखिए हमारा जो मसाला है ये बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है और कितना सा बचा है अभी है. यहाँ पर अब मैं पूरा जो राजमा है वो ऐड करूँगी और जिस पानी में मैंने बॉईल किया था वो ड्रिंकिंग वाटर था, उस पानी के साथ ही मैं इस मसाले में ऐड करूँगी. तो इसको अच्छे से मिक्स करना है, चला लेना है आपको. एंड एंड में आपको यहाँ पर सॉल्ट ऐड करना है, क्योंकि हमने सॉल्ट स्टार्टिंग में भी ऐड किया था तो थोड़ा कम सॉल्ट ऐड करिएगा. और यहाँ पर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है और हमारा ये पूरा बन चुका है, ऑलमोस्ट बॉईल आ चुका है एक दो. और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड करूँगी और ये बहुत ही टेस्टी लगता है गरम गरम रोटियों के साथ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. कुछ लोगों को राजमा चावल खाना पसंद है बट हम लोग इसको रोटी के साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, घी लगी हुई रोटी के साथ. तो ये हमारा राजमा बन चुका है खाना. ये है राजमा और ये सैलेड और ये मिक्स्ड अचार, मिक्स्ड वेज अचार एंड ये गरम गरम रोटियाँ. हाय गाइस, तो मेरा पूरा काम हो चुका है, मैंने शावर ले लिया, हम लोगों का लंच हो चुका है और मैं पूरी तरह से फ्री हो चुकी हूँ. तो मैं थोड़ा सा स्किन केयर करने के बाद अपना काम करने के लिए बैठने वाली हूँ. तो एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से, जैसे फेब्रवरी से आप मान लो 3 से 4 महीनों से, मैंने नोटिस किया है कि मेरी आंखों के आसपास डार्कनेस हो रही है और डार्क सर्कल्स आप जिसको बोल सकते हो वो हो रहा है. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मुझे ऐसा फील हुआ है कि मेरी आंखों के आसपास थोड़ा सा डार्कनेस हो रहा है. सो बेसिकली यू नो मेरे को कभी भी अपने पूरे अभी तक के लाइफ टाइम स्पैम में मुझे कभी भी डार्कनेस का इशू नहीं रहा है, भले मैं रात रात भर जाग भी रही हूँ पढ़ाई के लिए या कितना भी स्ट्रेस हो रहा हो लाइफ में, बट नहीं हुआ है. सो इट माइट बी पॉसिबल इट्स बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी, काफ़ी ज़्यादा हम सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, देन बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग बढ़ चुका है मेरा, या तो किसी एग्जॉशन के वजह से मुझे हो रहा है. सो आई डोंट नो, मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग की वजह से डार्कनेस हो रही हो. इज रियली सर्चिंग फॉर अ नाइस अंडर आई क्रीम जो कि थोड़ा डार्कनेस पे इफेक्ट करे. मॉइस्चराइज करना, फाइन लाइन्स हटाना, वो सबसे
बहुत ज़्यादा. मुझे ये था कि जो हल्का सा डार्कनेस यहाँ पर आ रहा है वो इनिशियल बेसिस पे ही मैं उसको ख़त्म कर दूँ, वो और ज़्यादा डार्क ना हो. सो आई गॉट रिकमेंडेशन बाय माई फ्रेंड ऑफ दी मॉम्स्को अंडर आई क्रीम, सो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई. बेसिकली ये क्लेम करते हैं कि 15 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट दिखाता है, काफी हद तक रिजल्ट शो करता है. मैं ये जो प्रोडक्ट है ये 15 दिनों से ऑलरेडी यूज कर रही हूँ. इसका फर्स्ट डे वाला जो पार्ट है जो मैंने शूट किया था, जिस दिन से मैंने ये प्रोडक्ट लगाना स्टार्ट किया है मैंने उस दिन शूट किया था ताकि आप लोगों को मैं डिफरेंस बता सकूँ. और आज मेरा 15th डे है तो कंपेरिजन आपको क्लियरली बिफोर एंड आफ्टर पता चल पाएगा. तो मैं यहाँ पर क्लिपिंग अटैच करने वाली हूँ जो मेरी डे की शूटिंग थी उसमें, तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी. Hey guys, so today is day one, और आज मैं फर्स्ट डे इसको लगाऊंगी और कंटिन्यूस 15 डे विदाउट एनी स्किप मैं इसको ट्राई करूंगी एंड हम रिजल्ट देखेंगे कि 15 डेज का रिजल्ट कैसा आएगा. तो मैं पहले आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ कि किस तरह से दिखता है. दिस प्रोडक्ट कम्स इन अ व्हाइट स्लीक बॉटल, काफी स्लीक सा बॉटल है और काफी हैंडी सा है, ट्रैवल फ्रेंडली है. इसमें इस तरह से रोलर आता है जो कि काफी कूलिंग इफेक्ट देता है. आपको यहाँ से पंप करना होता है, प्रोडक्ट ऊपर से आता है इस तरह से, देखिए आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्रीम आ जाता है. फर्स्ट डे जो मेरे अंडर आई का डार्कनेस है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है. नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, ये जो प्रोडक्ट आया है इसको हम यहाँ पर लेंगे और हल्के हल्के हाथों से इधर पे लगाएंगे. आईज के नीचे टच किया है इस रोलर को एंड इट गिव्स मी अ काइंड ऑफ अ कूलिंग इफेक्ट. मतलब ये बहुत ही ठंडा ठंडा सा लग रहा है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इससे मसाज करने में अपनी आँखों में. इतना रिलैक्सिंग लग रहा है, आई एम रियली लविंग इट राइट नाउ. सबसे ज़्यादा अगर मैं इसमें इम्प्रेस हुई हूँ किसी चीज़ से तो वो है द वे इसका जो एप्लीकेटर है, जिस तरीके से इसने लगाया है. मैं हल्के हल्के हाथों से डैब 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 मोशन में, सर्कुलर मोशन में, बिल्कुल लाइट हैंडेडली मसाज करके ये जो प्रोडक्ट है ये ऑलमोस्ट मेरे अंडर आई स्किन में अब्सॉर्ब हो चुका है. आज बेसिकली रिजल्ट का 15th डे है. मैंने टोटल पूरे 15 दिन इस क्रीम को ट्राई किया है अपना अंडर आई में और आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड. आई न्यू दैट द क्रीम वुड बी इफेक्टिव बट 15 दिनों के अंदर ये रिजल्ट दिखा देगा, इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव एज वेल. इसके अंदर इंग्रीडियंट्स में कॉफी ऑयल है जो कि रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स होता है एंड डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है. देन विटामिन ई भी है जो कि सॉफ्टन करता है आपके अंडर आई को और नरिश करता है. और मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर जो आप देख रहे हो जो मेरा डार्कनेस था उसमें काफी रिजल्ट दिखा है, मतलब काफी डार्कनेस कम दिख रही है जो कि मेरा एक्चुअली कंसर्न था. तो ये जो प्रोडक्ट है ये पैराबेन मिनरल ऑयल फ्री है, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, 100% नेचुरल है, टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट है. आई हाईली हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट. मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. मैं डायरेक्टली कल के बाद आपसे आज मिल रही हूँ और मुझे ये भी याद नहीं है कि कल मैंने व्लॉग किस नोट पे ख़त्म किया था. तो मुझे आपको कुछ दिखाना है. मैंने कुछ मंगवाया है, दो चीज़ें अमेजन से. तो एक तो जो चीज़ है वो विक्की की है और ये वाला जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये मेरे विश लिस्ट में बहुत दिनों से था, लाइक लिटरली बहुत दिनों से था. तो मैं आप लोगों को ये शो करती हूँ. सो वेट अ मिनट. ओके, सो आई बॉट दिस टेबल फ्रॉम अमेजन लाइक फ्यू डेज अगो. काफ़ी 10-15 डेज पहले हमने इसको ऑर्डर किया था और ये हमको आया है 3 दिन पहले. तो एक दिन तो पूरा ये नीचे था, कार के अंदर हम लोगों ने रख के रखा था इसको ताकि ये प्रॉपरली यू नो गर्म उसको टूट फूट मिल जाए. फिर उसके बाद एक दिन हम लोगों ने हमारे यहाँ पर रख के रखा था एंड देन दूसरे दिन इसको सैनिटाइज प्रॉपरली करा मैंने. इसको सैनिटाइज करने में काफ़ी दिक्कत आई थी बट मैंने इसको प्रॉपरली सैनिटाइज करके फिर मैं यूज़ कर रही हूँ. तो ये है सेंटर टेबल जो हम लोगों ने मंगवाया है, काफ़ी पॉपुलर सा सेंटर टेबल है ये. मैंने इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे थे और अनन्या ने इसको अपने मेकओवर में यूज़ किया था. फिर एक और मैं इंस्टाग्राम पे पेज फॉलो करती हूँ, उसके घर में भी ये लिविंग रूम में रखा हुआ है. तो मेरा काफ़ी टाइम से मन था, इनफैक्ट जब मैंने ये मेकओवर किया था, वाइट मेकओवर किया था, जब ये पूरा वाइट किया था तब से ये मेरे विश लिस्ट में एडिड था बट विक्की तब कन्वेंस नहीं हो रहा था इसको लेने के लिए. फिर अभी मैं आपको एक और स्टोरी बताऊँगी. तो उस प्रोडक्ट को हमने ऑर्डर किया है एंड वो प्रोडक्ट के बदले में हमने ये लिया है. वो आपको अपनी कमिंग वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट हमने अमेजन से मंगवाया है बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे घर के लिए काफ़ी बड़ा है. मतलब हमारे घर के अकॉर्डिंग जा भी नहीं रहा है और हमारे घर के लिए थोड़ा सा बड़ा है. मैं उसका लिंक ज़रूर दूंगी, उसका प्रॉपरली डेडिकेटेड रिव्यू बनाऊंगी. मतलब आप जब उस चीज़ को देखोगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा. वो इतना अल्टीमेट है और इतना अफोर्डेबल, मतलब लिटरली इतना अफोर्डेबल. अगर आप मुंबई में नहीं रहते हो, जैसे मुंबई में भी अगर मेरा 2 BHK घर होता तो मैं डेफिनेटली अपने एक कमरे के लिए तो उसको रखती बट अनफॉर्चुनेटली वो हमने मंगवा तो लिया था. हम लोगों ने इतने एक्साइटमेंट में इम्पल्सिवली उसको डिसीजन लिया था मंगवाने का. विक्की भी एकदम तुरंत रेडी हो गया, विक्की ने ऑफिस में बुकिंग कर दिया था मुझे जैसे ही बताया. इतना पसंद आया था हमको.
केक है जिसके वो एक होल एंड सोले का अलग ही स्टोरी है जिसको मैं अलग अपने वीडियो में बताऊंगी। एक्चुअली आपने एक बड़ा सा यहाँ पर पैकेजिंग देखा होगा, ये जो ये पैकेजिंग रखा हुआ है ये काफ़ी दिनों से मेरे घर में रखा हुआ है, तो ये वही चीज़ है जो जाने का वेट कर रही हूँ मैं। डेली पिकअप के लिए वो लोग रिक्वेस्ट डालते हैं, फिर कुछ ना कुछ इशू हो रहा है क्योंकि नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट है, तो उसको मतलब वापस भेजने में हम लोगों को भाई नानी याद आ गई है लिटरली, मतलब इतना डिफिकल्ट हो रहा है उसको वापस भेजना। तो ये मंगवाया है हम लोगों ने, सेंटर टेबल परफेक्ट है, बहुत अमेजिंग सा है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, स्लीक सा मॉडर्न सा डिज़ाइन है। जब मैंने पहले इसको देखा था आई थिंक तभी इतना पॉपुलर नहीं था, और जब मैंने इसको विशलिस्ट में तब डाला तभी 2500 रुपये में आता था, 2500 या 2700 कुछ था, लेकिन अभी इसका प्राइस बढ़ गया, अभी 3100 में मिलने लग गया है। जो हम लोगों ने ऑर्डर किया है वो है ये, तो इसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हो लाइक दिस, एंड ये इस तरह से ओपन होके रखा गया है। तो ये एक टेबल है जो कि भी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, तो ये एक टेबल है जो कि फोल्डिंग टेबल है, आप इसको कैसे भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, और ये प्योर शीशम की वुड है, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, हैवी मटेरियल है, आप इसको उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हो। तो दूसरा हम लोगों ने ये ऑर्डर किया है, ये इसका पर्पस मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये क्यों हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है। सो ये एक तो ये टेबल है और दूसरा ये वाला टेबल है, सो ये दो टेबल हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं। ये इनफैक्ट ये इतनी बढ़िया क्वालिटी में है कि अगर आपके यहाँ बच्चे वगैरह हैं और इस तरह के कॉर्नर से उनको लगने का डर रहता है, सो यू कैन गेट योर हैंड ऑन दिस। हाय गाइस, तो अभी मेरा एक शूट ख़त्म किया है मैंने, मतलब वो शूट मुझे काफ़ी दिन पहले ख़त्म कर देना चाहिए था, बट कल उसकी फाइनल डेट है, तो मुझे एक्चुअली में अल्टीमेटम टाइप का दे दिया गया है कि आपका शूट अभी तक आ नहीं रहा है एंड ऑल दैट। तो मैंने फटाफट से 10 मिनट में शूट ख़त्म किया है अपना, मतलब जब मुझे जल्दी जल्दी तुरंत वाला शूट करना होता है ना, तो मैं लिटरली बस हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाती हूँ, लिपस्टिक लगा लेती हूँ एंड दैट्स इट। ना मैंने कुछ आंखों पे लगाया है, ना मैंने आईब्रोज किया है, कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल जा करके बैठ जाती हूँ। मतलब समटाइम्स यू लुक गुड इन सिंपल अटायर्स एज वेल। मैं ये टॉप चेंज करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। एक्चुअली कल रात में बहुत लेट हो गई थी एडिटिंग करते करते, क्योंकि मुझे आज एक ब्रांड वाला वीडियो था जो मुझे एनी हाउ आज सेंड करना था, तो मैंने रात में ही उसको शूट किया है, उसको एडिट किया है, और मैं सोई हूँ रात को 1:30 बजे। मतलब मैं काफ़ी टाइम से, आई थिंक 1 साल से मैं इस तरह से काम नहीं कर रही हूँ, मैं रात में कभी जबकि काम नहीं करती हूँ, बट कल इम्पोर्टेंट था तो मेरे को करना पड़ा, क्योंकि अब मैं अपना लाइफ स्टाइल जब से मेरा मैंने बताया था ना ट्रिगर हो जाती है, मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस ट्रिगर हो जाता है, तो इसलिए मैं इस तरह से नहीं करती हूँ, बट कल इम्पोर्टेंट था तो मुझे करना पड़ा। और आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और एकदम परफेक्ट। मुझे याद है मेरे लास्ट वाली वीडियो में जब बोला था कि मेरा आलू का पराठा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, फट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे काफ़ी सारे सोल्यूशंस आए थे, और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मेरे जो आलू के पराठे हैं वो एकदम परफेक्ट, मतलब एकदम परफेक्ट होते हैं ना ये, वैसे बने हैं, ना फट रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं, जैसे जैसे मुझे टिप्स बताए गए थे मैंने बिल्कुल वैसे वैसे फॉलो किया है, और एकदम परफेक्ट बन रहा है, तो मुझे मज़ा भी आ रहा है बनाने में। गाइस, तो मेरा सारा काम वगैरह खत्म हो चुका है, मैं पूरी तरह से फ्री हो चुकी हूँ, मेरा लंच हो गया है, मैंने शावर ले लिया है। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में द मॉम्स को अंडर आई क्रीम के बारे में बताया था, तो उसके बारे में मैं एक और ऑफर बता देती हूँ जो कि अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो द मॉम्स को इज करंटली रनिंग अनलिमिटेड ऑफर ऑन द अंडर आई क्रीम, गेट अ फ्लैट 20% ऑफ अक्रॉस all the marketplaces, you can check out the link below to their website as well, link will be given in the description box as well। to mujhe batayega zarur use karne ke baad ki aap logo ka experience kaisa raha under eye cream ko use karne ke baad, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। जब भी आप यूज़ करें और 15 डेज का टेस्ट लें और 20 डेज का टेस्ट लें उसके बाद इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि बाकी लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल रहे। तो आज का जो वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।